जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, ये प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य, कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं, एक और दो की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है।